जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बस्तर में नक्सलियों की सक्रियता और विरोध तेज होने लगा है। 7 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान कोटा विधानसभा में होना है, मगर इससे पहले नक्सलियों की ओर से कई पर्चा जारी कर तो कहीं आगजनी की वारदातों को अंजाम देकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा, वैसे वैसे बस्तर में नक्सलियों की सक्रियता और विरोध तेज होने लगा है। नक्सलियों की ओर से कहीं पर्चा जारी कर तो कहीं आगजनी की वारदात को अंजाम देकर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। इसी बीच गुरुवार देर रात साप्ताहिक बाजार कोटा से ग्रामीणों को लेकर लौट रही 2 टाटा मैजिक वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। बता दें कि बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका कोटा विधानसभा है। नक्सलियों की ओर से लगातार चुनाव का बहिष्कार अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है। अब देखना होगा कि 7 तारीख को मतदान कितने शांत तरीके से करने में निर्वाचन आयोग सफल होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले माओवादियों ने कांकेर और बीजापुर जिले के 4 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया था। इसमें कांकेर जिले के छोटी बीठिया थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में 3 ग्रामीणों की हत्या की। बताया जा रहा है कि 4 से 5 दिन पहले नक्सली ग्रामीणों को घर से उठाकर ले गए थे, फिर गुरुवार को मुरखोंडी गांव के पास तीनों का शव मिला। वंदे भारत से डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।